अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक कुरानी रिसर्च के मुताबिक अल्लाह ताला के कुरान मजीद में 13 दिलों का जिक्र करेंगे। ये 13 किस्म के लोग हैं। आप अल्लाह की तरफ से 13 लोगों की तकसीम मुलाहिजा कीजिए। कल्ब सलीम। अल्लाह की नज़र में पहला दिल कल्ब सलीम है। वो लोग हैं जो कुफर, नफाक और गंदगी से पाक होते हैं। ये लोग जहनी और जिस्मानी गंदगी भी नहीं फैलाते, खुद भी नफाक और कुफर से पाक रहते हैं और दूसरों को भी इनसे बचा कर रखते हैं। अल्लाह को ये दिल अच्छे लगते हैं। दूसरा दिल कल्ब मुनीब है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह से तौबा करते रहते हैं और उसकी अतात में मसरूफ़ रहते हैं। आपको ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह की अतात में गुम रहते हैं। ये अल्लाह से हर वक्त तौबा के ख्वास्तगार रहते हैं। अल्लाह मुनीब लोगों को भी पसंद करता है। तीसरा दिल कल्ब मुखबत है। ये वो लोग हैं जो झुके हुए मुतमाइन और पुरसकून होते हैं। मैंने ज़िंदगी में आजिज़ लोगों को मुतमाइन और पुरसकून पाया। आजिज़ी वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। चौथा दिल कल्बे वजल है। ये वो लोग हैं जो नेकी के बाद भी डरे रहते हैं कि अल्लाह हमारी ये नेकी कबूल करे या ना करे। ये लोग हर लम्हा अल्लाह के अजाब से भी डरते रहते हैं। ये चाहते हैं, अल्लाह ने अपने अनबिया को भी गलतियों की सज़ा दी, चुनाचा ये अपनी बड़ी नेकी को भी हकीर समझते हैं। अल्लाह को ये लोग भी पसंद हैं। पाँचवा दिल कल्बे तक्का है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के शायर को ताज़ीम करते हैं। ये उन शायर को इबादत की तरह ताज़ीम करते हैं। ये लोग अगर किसी मजबूरी से इबादत ना कर सकें तो भी रोज़ादारों के सामने खाना पीना नहीं करते और ये नमाज और अजान के वक्त खामोशी इख्तियार करते हैं। अल्लाह को ये लोग भी पसंद हैं। छठा दिल कल्ब महदी है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पर भी राज़ी रहते हैं और बाखुशी कबूल कर लेते हैं। अल्लाह को ये लोग भी पसंद हैं। ज़िंदगी में कभी ऐसे लोग खसारे में नहीं होते। अल्लाह उनके लिए बुराई के अंदर से अच्छाई निकालता है। लोग उनके लिए शर करते हैं लेकिन अल्लाह उसी शर से खैर निकाल देता है। सातवां दिल कल्ब मुतमाइन है। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है। ये दिन रात अल्लाह के ज़िक्र भी करते रहते हैं। आप भी अगर मलाल और हज़न से बचना चाहते हैं तो आप तस्बीह शुरू कर दें। आपका दिल इत्मीनान और ख़ुशी से भर जाएगा। दुरूद शरीफ और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बेहतरीन तस्बीहात हैं। आठवां दिल कल्ब हई है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की नाफरमान कौमों का अंजाम सुनकर उनसे इबरत हासिल करते हैं। कम तोलना, झूठ, शर फैलाना, शिर्क, कुफर और तकब्बुर, बुराई की तरवीज करने वगैरह को अपनी ज़िंदगियों से पाक कर लेते हैं। अल्लाह की नज़र में वो लोग कल्ब हई होते हैं और अल्लाह उन्हें भी पसंद करता है। नौवां दिल कल्ब मरीज़ हैं। ये वो लोग हैं जो शक, नफाक, बदखलाकी, होश और लालच का शिकार होते हैं। हम लोग लालच, होश और बदखलाकी, नफाक और शक व आदतें समझते हैं जबकि हकीकत में ये रूह और दिमाग की बीमारियाँ हैं। और जो लोग इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं वो आज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह उन लोगों और उनके दिलों को मरीज समझता है। मेरा दावा है, आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शक का मर्ज पाल लें, आप चंद बरसों में दिल, फेफड़ों, गुर्दों और जिस्मानी दर्दों की दवाएं खाने पर मजबूर हो जाएंगे। और आप बेशक किसी आदत को तर्क कर दें, आपकी अद्वियात कम होने लगेंगी। आजमाइश शर्त है। दसवां दिल कल्ब अलआमी है। ये वो लोग हैं जो देखते हैं और ना सुनते हैं। ये बेहिस लोग होते हैं। अल्लाह इन्हें अंधे और बहरे लोग कहते हैं और मोमिनों को हुक्म देता है तो बस उन्हें सलाम करो और आगे निकल जाओ। उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, चुनाचा आप भी अल्लाह की नसीहत पर अमल करें। ग्यारहवां दिल कल्ब अलाही है। ये वो दिल है जो कुरान से गाफिल और दुनिया की रंगीनियों में मगन है। अल्लाह उन गाफिल लोगों को भी पसंद नहीं करता और ये भी
बिलाखिर इबरत का निशान बन जाते हैं। बारहवां दिल कल्बे अल आसम है, ये वो लोग हैं जो हक पर पर्दा डालते और गवाही छुपाते हैं। आप तारीख पढ़ लें, आप गवाही छुपाने और हक पर पर्दा डालने वाले माशरों और लोगों को तबाह होते देखेंगे। अल्लाह को ये लोग भी पसंद नहीं। तेरहवां और आखिरी दिल मुतकब्बर होता है, ये लोग तकब्बुर और सरकशी में मुब्तला होते हैं और अपनी दीनदारी को भी घमंड बना लेते हैं। यूं ये जुल्म और जारियत का शिकार होते हैं। कब्र अल्लाह का वस्फ है, अल्लाह से वस्फ किसी इंसान के पास बर्दाश्त नहीं करता। चुनाचा माशरा हो, मुल्क हो या फिर लोग हों, तारीख गवाह है ये फिरौन और नमरूद की तरह इबरत का निशान बन जाते हैं। दुनिया में आज तक किसी मगरूर शख्स को इज्जत नसीब नहीं हुई, वो आखिर में रुसवाई और जिल्लत तक पहुँच कर रहा। अल्लाह को ये दिल भी पसंद नहीं। आप इन 13 दिलों को सामने रखें और अपने दिल को टटोल कर देखें। आपके सीने में अगर कोई बुरा दिल है तो आप तौबा करें और अच्छे दिल की तरफ लौट जाएं। अल्लाह ताला आप पर अपने करम और फजल के दरवाजे खोल देगा। आप यकीन कर लें, अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई ताकत नहीं। ये अगर आपके साथ है तो फिर कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर आपको इसका साथ नसीब नहीं तो फिर आपको भी कोई नहीं बचा सकता। आप ख्वाह फिरौन हो या नमरूद, आप इबरत बनकर रहेंगे। नाज़रीन, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ और वीडियोज़ बर वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।